सरकार किसानों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है सभी, ताकि किसान हिंसा पर उतर जाए, उतारू हो जाए। किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, वो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकनी चाहिए। इस आंदोलन को फैलाने के लिए हम मदद करने के लिए तैयार, इसलिए हम किसान संगठनों को अपील करते हैं कि अगर वो चाहे तो सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है वो उनको साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। साथियों, किसानों का आंदोलन बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। किसानों की और केंद्र सरकार की वार्ता हो गई है और वो वार्ता विफल हो गई। किसानों की मांगे क्या है, तो वो मिनिमम प्राइस की मांग कर रहे हैं, वो मैक्सिमम प्राइस की मांग नहीं कर रहे हैं। जब वो मिनिमम प्राइस की मांग कर रहे हैं तो उनकी बातें जायज है ऐसे कहा जा सकता है। केंद्र सरकार उनकी जायज मांगे नहीं मान रही, केंद्र सरकार को उनकी जायज मांग मान लेना चाहिए। और केंद्र सरकार किसानों को अन्नदाता कहकर प्रशंसा तो करती है, मगर उनकी मांगे नहीं मानती और मांगे मनवाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है, किसी विदेशी देश की राजधानी नहीं है, और वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी मांगे मांगने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर इसको पुलिस फोर्स के द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है तो जबरदस्ती तो सरकार कर रही है, किसान तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। किसान वार्ता करने के लिए सरकार कहती है तो वार्ता भी कर रहे हैं। पिछले बार भी इसी तरह से हुआ था, सरकार ने वादा भी किया था, वादा करके भी 18 महीने से ज्यादा समय हो गया, मगर किसानों की बात पर जो सरकार ने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था, उस पर भी अमल करने का काम नहीं किया। तो किसान जो कह रहे हैं उस समय भी शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने किया था, अभी वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार का इरादा गलत है। सरकार किसानों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है सभी पे, ताकि किसान हिंसा पर उतर जाए, उतारू हो जाए, तो उनको गोली मारने का या उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने का मौका सरकार को मिल जाए। तो किसानों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह से हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर किसान हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो फिर अपनी बात मनवाने में कामयाब कैसे होगा? तो किसानों को जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हद तक ही ये काम नहीं होना चाहिए, तो सारे देश भर में होना चाहिए। किसानों का सारा देश भर में समर्थन करना चाहिए और समर्थन करने की जरूरत है। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है, किसानों का भी संगठन है सारे देश भर में। अगर किसान लोग चाहते हैं तो सारे देश भर में इस आंदोलन को फैलाने के लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं, और हर जिले में किसानों को आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए, हिंसा का उपयोग किए बगैर आंदोलन करने के लिए, कानून और संविधान के दायरे में आंदोलन करने के लिए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकनी चाहिए और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल करना चाहिए और सारे देश के किसानों को इस काम पर जुटना चाहिए। इसलिए हम किसान संगठनों को अपील करते हैं कि अगर वो चाहे तो सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है वो उनको साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।